अमित परिवार के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं इंजीनियर डीपी यादव। आज आप लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। आज के ही टॉपिक में मैक्सिमम मैं वो सब कवर करूंगा जो फार्मूले अमूमन सभी लोग न बताते हैं, ना ही कॉन्सेप्ट उसका क्लियर करते हैं, और केवल तीन फार्मूले में पूरा आपका चैप्टर हल हो जाएगा। आइए देखते हैं पहले वो साधारण ब्याज के फार्मूले कौन कौन हैं। पहले तो हम लोग जानेंगे कि साधारण ब्याज किसे कहते हैं। जब हम किसी साहूकार या बैंक से कोई धन उधार लेते हैं तो उस उधार लिए हुए धन के उपयोग के बदले में हम जो अतिरिक्त धन देते हैं उसे ब्याज कहते हैं। और ब्याज व मूलधन के योग को मिश्र धन कहते हैं। तो आइए हम लोग साधारण ब्याज का पहले सूत्र देखें, फार्मूला देखें। तो साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे समय 100। ये फार्मूला आपका सदाबहार फार्मूला, एवरग्रीन फार्मूला। इसके अलावा दो सुपर हिट फार्मूले वो अमित परिवार आपको बता रहा है। जब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए कि कोई धन कितने प्रतिशत वार्षिक दर से अपने का दो गुना हो जाए, तीन गुना हो जाए, चार गुना हो जाए, इस टाइप के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको अलग से एक फार्मूला मैं दे रहा हूं। जब मूलधन साधारण ब्याज से अपने का यन गुना हो जाए, तब दर बराबर होता है n माइनस वन गुणे सौ बटे सम। ये सुपर हिट फार्मूला। अगला फार्मूला है जब ब्याज ही मूलधन का यन गुना हो जाए, जब ब्याज ही मूलधन का यन गुना हो तब तब दर बराबर यन गुणे सौ बटे समय। आपके पूरे चैप्टर, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन मैक्सिमम सब इसी फार्मूलों से हल हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। आइए अब इस पर कुछ हम लोग प्रश्न करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं जिसमें क्वेश्चन है 7200 रुपये का 12.2% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले चूंकि ब्याज की दर वार्षिक है इसलिए 8 माह को भी हम लोग वर्ष में कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे,
और हम लोग जानते हैं कि एक वर्ष में 12 माह होता है, अतः अगर हम लोग 8 में 12 से भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो वर्ष में बदल जाएंगे। अतः 8 माह बराबर 8/12 वर्ष बराबर 4 से डिवाइड हो गया, 4 × 8 = 4, तो 2/3 वर्ष समय। अब पहला फार्मूला हम लोगों के सदाबहार फार्मूला, एवरग्रीन फार्मूला है, उसे एडॉप्ट करेंगे। लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे सब बराबर, मूलधन हम लोगों का 7200 है, 7200 गुणे दर 25/2, 12 × 24 है 25/2, गुणे समय, समय 2/3 वर्ष और बटे 100, तो गुणे और यहाँ पर 100 आ जाएगा ऐसे, जिसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तीन दूना 6 = 12, 25 × 50 और 12 × 5 = 60 बराबर 600 रुपये। इस टाइप के क्वेश्चन अमूमन रेलवे, बैंकिंग, एसएससी और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अमूमन पूछे जाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 8 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा? ये क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, धन 2 गुना हो रहा है। जाहिर सी बात है कि धन अपने का 100%, धन में 100% की वृद्धि हो रही है, अर्थात जितना मूलधन है उतना ही यदि ब्याज मिलेगा तब जाकर धन अपने का 2 गुना होगा। अतः हम अगर सदाबहार वाले फार्मूले से यदि हल करना चाहें इस क्वेश्चन को, तो हम लोग इस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे। मानेंगे कि माना मूलधन x रुपए, तब ब्याज बराबर x। बच्चों, जितना मूलधन है यदि उतना ही ब्याज मिलेगा तो हमारा धन 2 गुना हो जाएगा। अतः जितना हम मूलधन लेंगे उतना ही ब्याज भी होगा। अब लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे सब। इस फार्मूले पर रखेंगे तो साधारण ब्याज भी आपका x है, तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर मूलधन x गुणे दर, दर ही हम लोगों को ज्ञात करना है, दर गुणे समय 8 वर्ष बटे सब। आप देखेंगे यहां से दोनों पक्षों से ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहां 1 हो जाएगा, यहां हो जाएगा, अगली लाइन में दर बराबर 100/8 12/96 कट गया, तो ये आ गया 12/1/2%। अब इसी क्वेश्चन को
हम लोग सुपर हिट फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो आप लोगों को अभी बताया गया कि कोई धन जब n गुना होता है तब दर बराबर होता है n माइनस वन इंटू हंड्रेड अपान समय, उस फार्मूले से भी हम लोग हल कर सकते हैं। दर बराबर n माइनस वन गुणे सौ बटे समय। आपका धन दो गुना हो रहा है तो n गुना यानी दो गुना, तो यहाँ पर लिखेंगे दो माइनस एक पोस्ट में बंद गुणे हंड्रेड बटे समय, समय आपके प्रश्न में आठ साल दिया हुआ है, बटे आठ बराबर हो गया वन इंटू हंड्रेड अपॉन एट, आठ बारह अंठानवे, चार शेष बचा, अच्छा साढ़े बारह बस, ये आपका दर आ गया, रेट आ गया, आर की वैल्यू आ गई। तो हम लोग दोनों फार्मूलों से हल कर सकते हैं। आइए अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, साधारण ब्याज के कितने परसेंट वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्ष में चार गुना हो जाएगा। इसको हम लोग अगर सुपर हिट फार्मूला एडॉप्ट करें तो हो जाएगा दर बराबर n माइनस वन गुणे हंड्रेड अपान समय, चार गुना हम लोगों का धन हो रहा है तो n का मान चार हो जाएगा, n गुना यानी चार गुना, तो लिखेंगे फोर माइनस वन इंटू हंड्रेड और पंद्रह साल में हो रहा है तो बटे पंद्रह, बराबर हो गया थ्री इंटू हंड्रेड अपॉन, ट्वेंटी परसेंट आ गया आंसर आएगा। मेरा अमित परिवार भारत के कोने कोने में फैला हुआ है और इसके सुपर स्टार चमकते हुए सितारे राष्ट्र के सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं। आप भी हमसे जुड़िए और जीवन का आनंद लीजिए। आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी धन का साधारण ब्याज मूल धन का एक बटा नौ। यहाँ पर बच्चों जो साधारण ब्याज है वही मूलधन का एक बटे नौ गुना हो रहा है। कह रहा है कि यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों के संख्यात्मक मान बराबर हो तो वार्षिक दर क्या है। इसके लिए आप लोगों को लिखाया गया कि जब सूत्र अभी आपको लिखाया गया कि जब ब्याज ही मूलधन का यन गुना हो तब दर, तो दर बराबर होता है n गुणे हंड्रेड अपान समय। इसमें रख देंगे आंसर आ गया। ये भी प्रश्न आपका आयकर में क्वेश्चन पूछा गया है, इनकम टैक्स में, तो प्रश्न में ये भी दिया हुआ है कि दर प्रतिशत तथा वर्षों के संख्यात्मक मान बराबर है, तो दर को अभी यदि हम लोग आर मानते हैं तो समय को भी आर मान लेंगे, दोनों के मान बराबर दिए हुए हैं, तो लिखेंगे आर बराबर यन गुना, यन का मान दिया है एक बटा नौ, तो यहाँ आप लिखेंगे एक बटा नौ गुणे हंड्रेड बटे समय, बटे समय भी आर हो जाएगा, आर इधर आ जाएगा तो हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 100 अपान 9, इसलिए R बराबर हो जाएगा करणी में
हंड्रेड अपान नाइन बराबर दस बटे तीन बराबर तीन तिरिक्के नौ इतने पर। तो समय भी आ गया, समय का भी आंसर आ गया तीन सही एक बटा तीन वर्ष।